मुखिया की हत्या के बाद जो है आक्रोशित उनके परिवार के लोग, उनके समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया है। इस वक्त हम कौरजी मोड़ पर हैं और देखिए किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है ये सड़क जाम किया गया है। टायर जलाकर इस वक्त सड़क को आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को रोक दी गई है। नीलेश मुखिया के जो मौत की खबर जैसे ही आई तब से मातम सा छा गया है इस इलाके में और पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है, जो उनके समर्थक है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त पुलिस प्रशासन की काफ़ी संख्या में मुस्तैदी की गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पप्पू धप्पू और गोरख राय की मांग को लेकर ये सड़क जाम किया गया है और इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति है कुर्जी मोड़ पर। और उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अपराधियों की गिरफ्तारी हो। अभी फ़िलहाल जो है दो शूटर की गिरफ्तारी हुई है और आज जो है वो पांच तत्वों में मिलीन हो जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार जो है पटना के दीघा घाट पर किया जा रहा है। ऐसे में उनके समर्थक चाहते हैं कि किसी तरीके से जो पप्पू धप्पू और गोरख राय है उनकी गिरफ्तारी हो और इसकी मांग को लेकर पटना की कुर्जी मोड़ को जाम कर दिया गया है। करीबन जो है काफ़ी संख्या में जो समर्थक है, जैसे ही उनकी मौत की खबर सुने उनके बाद शोक की लहर दौड़ गई और शोक की लहर दौड़ गई और उसके बाद उनके समर्थकों की यहां पर हुजूम उमड़ पड़ी है और लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जब उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी तो उस वक्त जो है पुलिस प्रशासन के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और उनके परिवार के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। उनके समर्थक जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं और सीधा मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो उनकी किसी तरीके से गिरफ्तारी हो। और इस वक्त जो है कई थाने की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई है। आपको बता दें कि बीटा, मनेर, दानापुर, खगौल और पाटलिपुत्रा, बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली, शास्त्री नगर, तमाम इन थाने की फोर्स को बुलाए गए हैं। फोर्स की तैनाती कर दी गई है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। देखिए किस तरीके से जो है पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो समर्थक है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त स्थिति कुर्जी मोड़ पर तनावपूर्ण है और लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से अपराधियों की गिरफ्तारी हो और यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। तो आगे की जिस तरीके से अपराधियों ने उन पर तबाहतोड़ सात गोलियां दागी और जैसे ही वो घर से निकले थे तो 31 जुलाई को उनको तबाहतोड़ गोलियां मारी गई थी और उसके बाद फिर उनका इलाज जो है पटना में हुआ पहले और उसके बाद फिर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया था। लेकिन उनकी कल जैसे ही निधन की खबर आई वैसे ही शोक की लहर उनके परिवार के लोगों में, उनके समर्थकों में दौड़ गई और इस वक्त जो है स्थिति कुर्जी मोड़ पर तनावपूर्ण है और सड़क को जाम कर दिया है और सिर्फ एक ही मांग है कि किसी तरीके से जो पप्पू धप्पू और गोरख राय है उनकी गिरफ्तारी हो। और अभी भी सात अपराधी जो है वो फरार है पुलिस के चंगुल से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो है जिस तरीके से रवैया है उसको लेकर उनका रुख जो है आक्रोशित है और गुस्से में है उनके समर्थक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।